नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 7 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। कुछ पाबंदियों के साथ आज से खुलेंगे सभी स्कूल। बिहार पंचायत चुनाव में नहीं कर सकेंगे नोट का इस्तेमाल। बिहार में घटिया अनाज देने वालों की अब खैर नहीं। IDBI ने स्नातकों के लिए निकाली भर्तियां। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कुछ पाबंदियों के साथ आज से खुलेंगे सभी स्कूल। आज से कक्षा 9वीं 10वीं के सभी स्कूल एक बार फिर से खुलने वाले हैं। हालांकि स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत किसी भी दिन स्कूल प्रशासन के छात्रों की 50% मौजूदगी ही सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने बंद स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए SOP जारी कर दिया है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करनी होगी। वहीं जिन स्कूलों में ज्यादा बच्चे अंकित है, उन्हें 2 पाली में संचालित करने का निर्देश जारी किया गया है। स्कूल की कक्षाओं में 2 बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी के साथ साथ किसी भी ऐसे आयोजन से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के मुताबिक सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील फिलहाल बंद रहेगा। बिहार कैबिनेट में लगी 19 एजेंडों पर मुहर। बीते दिन मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। बिहार कारा चालक के संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को भी स्वीकृति दे दी गई है। 2 चिकित्सा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष सदस्यों के मनोनयन के साथ साथ सदस्य सचिव की नियुक्ति से जुड़े दिशा निर्देश को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं सरकार ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को तुरंत मुआवजा देने के लिए अब बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवॉल्विंग फंड बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाने के साथ ही कुल मिलाकर 19 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। एजेंडा वापस नहीं करने वालों को सरकार ने जारी किया पत्र। बिहार सरकार में मंत्रियों ने अब तक कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा को वापस नहीं किया है, जिसको लेकर ही अब सरकार की तरफ से सभी मंत्रियों के नाम पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव ने सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद एजेंडा वापस करने को कहा है। ज्ञात हो कोरोना संक्रमण के कारण मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करवाई गई थी। बैठक का संलेख एजेंडा सभी मंत्रीगणों को भेजा गया था, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद कुछ विभागों में एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में ही वापस नहीं भेजा गया है, जिसके बाद इसको भेजने की मांग की गई है। बिहार पंचायत चुनाव में नहीं कर सकेंगे नोट का इस्तेमाल। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी बिहार में तेज हो गई है, जिसके तहत बिहार पंचायत की तारीख अब कभी भी जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी उम्मीदवार प्रत्याशियों को लुभाने के लिए नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी प्रत्याशी ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करवाया जाए। ललन सिंह का हुआ भव्य स्वागत। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद बीते दिन ललन सिंह पहली बार राजधानी पटना पहुंचे, जहां जदयू के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां ललन सिंह खुली जीप में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए थे, जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह होना भी जरूरी है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जदयू नेताओं ने पूरी तैयारी की थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट से उनके साथ पार्टी कार्यालय तक आया था। आपको ये भी बता दें कि ललन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही नया इतिहास दर्ज किया है, जिसके तहत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले वो पहले स्वर्ण नेता बने। आने वाले शिक्षकों पर अब होगी कार्रवाई। 11वीं 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि कोरोना के कारण छात्रों की मौजूदगी में कमी आई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी स्कूल से गायब होने लगे हैं। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने का ऐलान किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वो हर दिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी हासिल करें और छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति की पूरी रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करवाए। ज्ञात हो जिलों के डीएम की तरफ से यह शिकायत मिली थी कि 12 जुलाई से 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के बाद भी 50% स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, साथ ही कई शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं। बिहार में 9
अगस्त तक बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में 9 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इस बाबत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, जिसके तहत अगले 5 दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में व्यापक से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिसके तहत ही मौसम विज्ञान केंद्र ने भी बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश के आसार बनता देख सभी लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विनीत कुमार की। विनीत कुमार का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। विनीत कुमार एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अनुभवी अभिनेता को हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषा की फिल्मों और टेलीविजन में उनके कामों के लिए जाना जाता है। उन्हें मसान, द्रोहकाल, कच्चे धागे, अक्स, ये दिल, सोच और शूल जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनके हॉलीवुड असाइनमेंट में लिन कॉलिंस के साथ भी रिटर्न टू राजापुर, भोपाल, मार्टिन शीन और मिश्रा बार्टन के साथ बारिश के लिए प्रार्थना ऐसी फिल्में शामिल है। उन्होंने कई तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें तेलुगु फिल्म विक्रम मार्कुडू में भी काम करने के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। आईडीबीआई ने स्नातकों के लिए निकाली भर्तियां। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। आईडीबीआई ने हाल ही में स्नातक उम्मीदवारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिसके तहत आईडीबीआई बैंक ने देश भर में स्थित अपने विभिन्न ब्रांचों और ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 920 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दिल में छेद वाले बच्चों का होगा मुफ्त में इलाज। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जन्मजात दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूमों के इलाज के लिए खास पहल की गई है। इससे इन मासूमों को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 6 और 7 अगस्त को 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने का ऐलान पहले ही किया गया था, जिसके तहत 6 अगस्त को IGIC और 7 अगस्त को IGIMS में आयोजित इस जांच शिविर में राज्य भर में सामने आए दिल में छेद वाले गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूमों के स्वास्थ्य की जांच श्री सत्यसाई हृदय अस्पताल अहमदाबाद के विशेषज्ञ करेंगे। पटना में होगी साप्ताहिक बंदी। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे कई पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तो वहीं कई कई चीजों में नई पाबंदियां लगा दी गई है। आपको बता दें कि पटना जिले में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दिन आवश्यक सामग्रियों की ही दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने गृह विभाग के निर्देश के आलोक में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी गई है। ये सभी दुकानें शाम के 7 बजे तक बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही पटना के जिलाधिकारी ने यह भी साफ कहा है कि विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से सहमति लेने के बाद बंद का फैसला लिया गया है, इसका अनुपालन जरूर कराया जाएगा। जिला स्तर पर उड़न दस्ता का भी गठन किया गया है। बिहार पर बढ़ा 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। हाल ही में महालेखाकार के स्तर से बिहार में विकास कार्यों को लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया है, जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट का उल्लेख किया गया है जिनका काम समय पर पूरा नहीं किया गया है। इसके कारण बिहार सरकार के खजाने पर करीब 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ गया है। साथ ही इन प्रोजेक्ट की निर्धारित निर्माण लागत भी 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई है। इसमें मुख्य रूप से गंगा पाथवे, अब्दुल कलाम साइंस सिटी, लोहिया पथ चक्र और महात्मा गांधी सेतु के अलावा कुछ महत्वपूर्ण NH की योजनाएं भी शामिल है। इसमें पटना शहर में दीघा घाट से दीदारगंज तक बन रहे गंगा पाथवे की शुरुआती कीमत करीब 1,700 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो कि अब 3,400 करोड़ रुपए हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर नया प्रस्ताव हो सकता है तैयार। बीते दिन प्रशासनिक भूल के कारण पंचायत चुनाव को लेकर जारी किए गए प्रस्ताव का आधिकारिक पन्ना लीक हो गया था। फिर क्या था, पंचायत चुनाव की तारीख की खबरें लगातार वायरल होने लगी। फिर आनंद फानंद में विभाग ने विभागीय जांच का आदेश जारी किया है। साथ ही विभाग ने नए सिरे से दोबारा प्रस्ताव तैयार करने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग को नई तारीख के साथ नए प्रस्ताव को पेश करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अगस्त को ही पंचायती राज विभाग को चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। इस प्रस्ताव में 10 चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच चुनाव संपन्न कराए जाने की खबरें लीक हुई थी।
एसएससी सीजीएल स्किल टेस्ट की जारी हुई तारीख। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 के स्किल टेस्ट की डेट को जारी कर दिया है। एसएससी सीजीएल 2019 समेत कुल चार परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है, जिसमें एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर 2, एसएससी एमटीएस पेपर 1, एसएससी स्टेनोग्राफ ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 का स्किल टेस्ट भी शामिल है, जिसके तहत सीजीएल 2019 परीक्षा के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर 2021 को होगा। एसएससी सीजीएल 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। बिहार में घटिया अनाज देने वालों की अब खैर नहीं। बिहार सरकार बिहार में घटिया अनाज देने वालों पर नकेल कसने वाली है। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्डधारियों को घटिया अनाज देने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ही मामले पर सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा है कि अगर अनाज खराब पाए जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अनाज बदलकर गुणवत्तापूर्ण अनाज डीलर को मुहैया कराया जाए। मंत्री लेसी सिंह के आदेश के अनुसार अब सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी महीने में अपने क्षेत्र के 3% जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भौतिक सत्यापन करेंगे। आज से 2 रेल रूटों पर फिर से दौड़ेगी 2 मेमू पैसेंजर ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से आज से एक बार फिर से पैसेंजर मेमू ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। पाटलिपुत्र बरौनी मेमू पैसेंजर स्पेशल आज से अगले आदेश तक प्रतिदिन पाटलिपुत्र से बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बरौनी पाटलिपुत्र मेमू पैसेंजर स्पेशल आज से अगले आदेश तक प्रतिदिन बरौनी जंक्शन से पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वहीं पाटलिपुत्र पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल आज से अगले आदेश तक प्रतिदिन पाटलिपुत्र से पटना पहुंचेगी और पटना पाटलिपुत्र मेमू पैसेंजर स्पेशल आज से अगले आदेश तक प्रतिदिन पटना से पाटलिपुत्र पहुंचेगी। कांस्य पदक अपने नाम करने वाले हॉकी टीम के बिहारी खिलाड़ी को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। 41 साल के सूखे को खत्म करने वाली पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम दर्ज किया, जिसने पूरे देश को तो गौरवान्वित किया है। इन सब के बीच बिहार के लिए भी यह गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि ओलंपिक्स में भारतीय टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर ने भी अपना योगदान दिया है। विवेक की इस उपलब्धि के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विवेक सागर को इस जीत की बधाई दी है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हॉकी के प्रति उनके जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। विवेक सागर प्रसाद मूलतः बिहार के सिवान के रघुनाथपुर के कन्हौली गांव के निवासी है। उनके इस उपलब्धि पर पूरा बिहार गौरवान्वित है। उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रदेश और देशवासियों का दिल जीता है। वो निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और बिहार सहित भारत का नाम रोशन करते रहे, यही मेरी कामना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने को लेकर शुरू हुई बयानबाजी। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने खेल जगत में मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से रख दिया, जिस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जिसके तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्देश से साफ दिख रहा है कि उनकी सोच बहुत छोटी है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, खिलाड़ियों से उनका भावनात्मक लगाव रहता था, वहीं उनके योगदान को देश भूल नहीं सकता। मोदी जी चाहते तो किसी और अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम से रख सकते थे, लेकिन अब मोदी का काम ही नाम बदलने का रह गया है। करे के बाद लड़े के बाद बिहार में सरकार बदले के बाद नारे के साथ आज सड़कों पर उतरेगी राजद। जातीय जनगणना की मांग को लेकर आज राजद अपने विरोधाभास शुरू करने वाली है। इसको लेकर बीते दिन ही राजद ने करे के बाद लड़े के बाद बिहार में सरकार बदले के बाद का नारा दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बीते दिन से ही हलचल देखने को मिल रही है। इसको लेकर शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, कामयाबी की राह पर आगे बढ़ना है तो इस नाकामयाब सरकार से अपने हक के लिए लड़ना है। हर जीवन का बंधन हो, हर जीवन के हक और अधिकार के लिए मरते दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ज्ञात हो राजद जातीय जनगणना का जोर शोर से समर्थन कर रहा है। चिराग पासवान ने ललन सिंह को तोड़ने में बताया माहिर। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आए दिन सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसी कड़ी में अब चिराग ने जदयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जोड़ने का अनुभव है या नहीं ये वो नहीं जानते, लेकिन तोड़ने का अनुभव तो उन्हें जरूर है। लोजपा को तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही उन्होंने ललन सिंह के उस बयान पर भी टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है, जिस पर ही चिराग ने कहा कि ललन सिंह पहले खुद सोचे कि वो अपनी पार्टी कैसे जुड़े हुए हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जदयू ने खेला बड़ा दांव।
इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं इस बीच जदयू ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा दाव खेला है, जिसके तहत जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार नहीं करवाएगी तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवाएगी। हालांकि यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है कि राज्य में जातीय जनगणना कब और कैसे करवाई जाएगी। केंद्र अगर राज्यों को जातीय जनगणना कराने के अधिकार देने का बिल लाती है तो अच्छी बात है, अन्यथा बिहार सरकार अपने स्तर से जातिगत जनगणना कराने की तैयारी में है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। मुंबई नगर निगम को 1947 में बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई। 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। भारत के प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का जन्म 1925 को आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा का निधन 1909 में आज के दिन हुआ था। तमिलनाडु राजनीति के भीष्म पितामह करुणानिधि का 2018 में निधन आज के दिन हुआ था। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट को लेकर उठे बवाल के बाद बोर्ड ने जारी किया नया पोर्टल। हाल ही में सीबीएसई के 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई थी। हालांकि जहां यह उम्मीद जताई जा रही थी कि परिणाम के बाद छात्र संतुष्ट रहेंगे, लेकिन छात्रों ने खूब बवाल काटा है। आलम यह है कि बिहार के अलग अलग जिलों में छात्रों ने प्रशासन का घेराव किया है। वहीं अब छात्रों की नाराजगी को देखते हुए सीबीएसई ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया है, जिसमें अब छात्र रिजल्ट से जुड़ी सारी समस्याओं को दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें, छात्रों का यह आरोप है कि नंबर देने में मनमानी हुई है, पैसे लेकर नंबर दिए गए हैं, साथ ही जिनके भी प्री बोर्ड में अच्छे अंक आए थे उनके नंबरों को काट लिया गया है। आउट होने पर शुरू हुए हंगामे पर खुद रोहित शर्मा ने दिया जवाब। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे मैच में भी देखने को मिला, जहां पर रोहित शर्मा ने 36 रनों की पारी खेली, जिसके बाद वो आउट हो गए। वहीं विकेट गिरने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आपको शॉट खेलने के लिए तैयार रहना था, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसे में जो गेंद आपके एरिया में आए उस पर आपको शॉट खेलना ही पड़ता है। मैं और केएल राहुल जब क्रीज पर थे तो हम यही कर रहे थे। हम दोनों ने बात की थी कि अगर एक दो शॉट लगाने का मौका मिलेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा करने के दौरान अगर आप आउट हो जाते हैं तो निराश तो होती ही है, लेकिन अगर उस गेंद पर विकेट गिरने की बजाय बाउंड्री मिल जाती तो अगर बॉल थोड़ा इधर उधर होता तो कुछ भी हो सकता था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,470 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.59 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 95.83 रुपए प्रति लीटर था। आज कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संतोष कुमार, शंकर मुखिया, अनवर यादव, सरिता देवी, नंद कुमार सिंह, रंजन शर्मा, प्रद्युमन कुमार, रविन्द्र पासवान, मोहम्मद सद्दाम, विक्रम राज, प्रहलाद कुमार, विपिन कुमार, आनंद कुमार, संतोष कुमार पटेल, दीपेश कुमार, सुरेंद्र कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजीव गांधी अवार्ड का नाम को मेजर ध्यानचंद के नाम पर बदलने का फैसला सही है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना।